गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवा पर आज की जो वीडियो है वो हमारी है इस घास पर और ये जो घास आप देखते हैं आपके गमलों में इस टाइम निकल रही होगी और अगर आपका गमला बिल्कुल ऐसे ही भर रहा है तो आप परेशान ना हो वैसे तो घास अगर आपके पौधों में ज़्यादा गिरती है तो दिक्कत ये है कि आपके मेन प्लांट को खराब कर देती है और ये घास पूरे में फैल जाती है पर अभी बारिश का टाइम है और आपके गमलों में बहुत सी घास निकल रही होगी तो आप सोच रहे होंगे इसको हटा दें तो अभी आप इसको ना हटाएं हटाने से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप अभी घास हटा देंगे तो जो पानी गिरेगा आपकी मिट्टी में वो सारा आपका गमले की मिट्टी बाहर निकाल देगा और तेज़ पानी बरस रहा है तो मिट्टी सारी आपकी के चली जाएगी आप देख रहे हैं जैसे कि उसमें घास नहीं निकली है ना कोई चीज़ की मल्चिंग है तो मिट्टी हमेशा बाहर आती रहती है पर घास निकल आने से क्या एक फ़ायदा होता है कि अगर आपके पानी बरस रहा है बहुत तेज़ तो आपके यहाँ की जो मिट्टी है गमले की वो बाहर नहीं आएगी और आपकी जो मिट्टी है एक तरीके से जकड़ के रहेगी आपके गमले में इससे आपके पौधे की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जितना पानी जाएगा सारा गमले का गमले में एब्जॉर्व होगा प्लांट को मिलेगा और बचा पानी अगर जो एक्स्ट्रा बच रहा होगा वो घास में चला जाएगा और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो आप इसे जड़ से निकाल दीजिए और बहुत ही ईजिली निकल जाती है ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और मेरे यहाँ तो देखिए अपने आप ही कट होगी क्योंकि मेरा डॉग है और डॉग सुबह जब तब ऐसे आके खेलता रहता है ऊपर ऊपर की तोड़ता रहता है नहीं तो ये पूरा गमला भर गया था घास से तो घास जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो गई है बारिश के टाइम पर क्योंकि अगर आप घास रखते हैं अपने गमले में तो मैंने आपको बताया कि आपके गमले की मिट्टी जो है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं आएगी और आपकी टेरिस भी साफ रहेगी और आपके प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी पर जब बाद में बारिश ख़त्म हो जाए तो आप ये सारी घास हटा सकते हैं तो आपको दूसरे गमले दिखाते हैं और कुछ तरीके की घास हैं और एक तरीका और होता है जैसे कि इसमें बहुत सी घास है और जब बारिश ख़त्म होगी तो मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र दूंगा तो ये सारी घास खींच के निकालूंगा तो नीचे तक जो मिट्टी है वो पोरस हो जाएगी और जो ड्रेनेज होल है वो बंद अच्छे से खुल जाएगा और मैं जब फर्टिलाइज़र दूंगा तो नीचे तक एंड तक पहुँचेगा फ़र्टिलाइज़र और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी फिर प्लांट की वैसे भी वारिश के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसके बाद जब आप ऐसे मल्चिंग भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं ये वाइट मार्बल से मैंने मल्चिंग कर दी तो आपकी घास भी नहीं निकलेगी अगर आप नहीं चाहते कुछ लोग चाहते हैं घास ना निकले गमले में तो आप मल्चिंग कर सकते हैं किसी भी स्टोन से कोई भी ईका बॉल्स आती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं मल्चिंग के लिए मार्बल्स आते हैं वो उनसे सबसे कर सकते हैं इसमें देखिए इसमें भी ये एक वीड निकली हुई है पर मैंने इसको हटाया नहीं इसीलिए क्योंकि ये अच्छी भी लगती है और बहुत ही ईजिली हट जाती है अभी मैं इसे हटाऊँगा तो बहुत ही ईज़िली पूरी अच्छे से साफ हो जाएगी और फिर मैं इसे आसानी से फर्टिलाइजर दे सकूँगा आप देख सकते हैं पास वाले गमले में से कितनी मिट्टी निकल रही है जब तेज़ पानी बरसता है तो इसीलिए मैं या तो मार्वल से मल्चिंग कर देता हूँ या फिर कोई ईका बॉल्स आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे मैं उनसे मल्चिंग करता हूँ और बिना मल्चिंग के आप देख सकते हैं क्या हालत होती है गमले में से एक्स्ट्रा पानी भी भरता है और प्रॉब्लम्स ही आती हैं तो आप ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं नहीं तो ग्रास को उगने दें तो और बाद में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं थैंक यू वीडियो देखने के लिए